Ahmad Naushad. I am the eldest son of Naushad Sahab, music composer. और हमें उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम जो है नौशाद साहब के जितने चाहने वाले हैं हिंदुस्तान में दुनिया में ये सब तवज्जो से देखेंगे और हमें सुनेंगे। और नौशाद साहब के हमारा एक अकीदा है कि जब तक के नौशाद साहब के चाहने वाले उनके म्यूज़िक के मौसीकी के चाहने वाले दुनिया में रहेंगे नौशाद साहब का नाम जिंदा रहेगा। तो हम आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं कि जो कुछ हम बोलेंगे नौशाद साहब के बारे में हो सकता है कि आपको भी बातें मालूमात ऐसी मालूम हो जो पहले कभी नहीं हुई उसका इल्म हो। तो आपसे गुजारिश है आप सब लोग बहुत तवज्जो से सुने। दो दिन के बाद यानी 5 मई को नौशाद साहब की 14वीं बरसी है। तो अभी हमारा फ़र्ज बनता है क्योंकि हम सब में बड़े बेटे हैं और हमारा काफ़ी वक्त नौशाद साहब के साथ गुजरा। हम उनको रिकॉर्डिंग में ले जाते थे, स्टोरी सीटिंग में बैठते थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के वहाँ साथ में जाते थे। यहाँ तक के जब हमने अपनी 4 फिल्म डायरेक्ट की तो 2 फिल्म में ये हमारी खुश नसीबी है कि नौशाद साहब ने उसमें संगीत दिया, और दूसरी खुश नसीबी ये है कि पहली फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाया और 2 फिल्मों में लता जी ने गाना गाया। रफ़ी साहब को तो हम अंकल कहते थे और लता जी को आंटी बोलते थे। बहरहाल लेट्स बी वेरी प्रोफेशनल। अब नौशाद साहब का जो जर्नी है, द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट करियर की फिल्म थी प्रेम नगर एंड एंड्स ताजमहल द मॉन्यूमेंट ऑफ लव। यानी फ्रॉम सिटी ऑफ लव प्रेम नगर टू ताजमहल द मॉन्यूमेंट ऑफ लव। लेकिन नौशाद साहब को सब समझते हैं कि नौशाद साहब का बैकग्राउंड जो है वो म्यूज़िकल होगा और उनके घर में सब संगीत जानते हुए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। नौशाद साहब वॉज बॉर्न इन वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। हमारे दादा वाहिद अली साहब अंग्रेज़ों के ज़माने में वो कोर्ट में मुंशी हुआ करते थे और बहुत मिजाज के सख्त थे। और नौशाद साहब जो थे वो स्कूल उनको एडमिशन दिया जाते थे। लेकिन अब आप ये सोचिए कि नौशाद साहब जब इतना ऐसा एटमोसफियर घर में सख्ती है, कोई गाना बजाना नहीं, उसके एकदम मुखालफत करते थे दादा, बंद करो ये वाहियात चीज़ है, तो फिर इनके पास ये कि म्यूज़िक संगीत का ये शौक़ कैसे जागा। इस पर हम बात करते हैं अभी कि उनके मामू जो थे नौशाद साहब के, उनके ये बहुत फेवरेट थे, बहुत लाडले थे। तो लखनऊ से करीब 20 कोस, उस वक्त कोस बोलते थे, 12 बंक की एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ी दरगाह है देवा शरीफ हाजी वारस अली शाह, तो वहाँ पे हर साल उर्स लगता था 10 दिन का। तो नौशाद साहब को मामू उनकी उंगली पकड़ के, ये उनकी उम्र होगी 12-13 बरस की, वो लेके जाते थे। उस वक्त तो गाड़ी वाड़ी इतनी थी नहीं, बस नहीं थी, तो बस इक्का में तांगे में बिठा के ले आते थे, कभी पैदल चलते थे। तो बहरहाल जब वहाँ पहुँचते थे तो वहाँ पे टेंट जो थे वो शेयरिंग टेंट मिलते थे, बहुत मजमा आता था, बहुत क्राउड आता था मेले में। और खेमे में ऐसा होता था कि शेयरिंग होता था कि 8 या 10 आदमी शेयर करते थे। तो नौशाद साहब तो मामू ने उनको जब पहुँचे खिलाया पिलाया, फिर मेला थोड़ा घुमाया और फिर एक खेमे में लेके गए टेंट में। उस ज़माने में वहाँ कव्वालों की चौकियाँ आती थी जो अपने सूफियाना कलाम गाते थे। तो मामू उंगली पकड़ के एक जगह लेके गए तो खेमे से एक आवाज़ बुलंद हुई कि ना वो फिजाए चमन थी ना आशियाना था, छोटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था। नौशाद साहब सुनते रहे, फिर दूसरे खेमे से एक आवाज़ बुलंद हुई कि फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, फना मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। यानी फना बगैर यानी मिट जाने के बाद, डेथ के बाद लाइफ आफ्टर डेथ का पता नहीं मिलता, पहले मरना पड़ता। तो फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ ना जब तक खुदा नहीं मिलता। ये सुना, उसके बाद घूम फिर के आए खेमे में, लेट गए, दरगाह पे हाजिरी दी। अब जब रात को सोए तो करीब 1:30-2 बजा होगा,
सब सो गए थे, लेकिन नौशाद साहब के कानों में एक बहुत ही सुरीली बांसुरी की गूंज आई, और इतनी सुरीली बांसुरी थी, उससे पहले वो कुछ नहीं जानते थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ना मौसीकी के बारे में, तो ये इतनी सुरीली थी उनके कानों में सुर जो पड़े तो वो सुदबुद खो बैठे, उठ के बैठ गए और फिर जैसे मस्मराइज हो गए, और वो खेमे से निकले और जैसे होता है नींद में चलना, नाइट वॉकर, स्लीप वॉकर, तो इस तरह से वो खींचते चले गए, उनको पता नहीं था, और जाके वहाँ रुके जहाँ पे एक ज़ईफ यानी काफ़ी उम्र थी, एक साहब बांसुरी बजा रहे थे, वो बजा रहे थे और वो बांसुरी बेचा करते थे, वो दरवाजे का उनका मज़ार का रोज़े का दरवाज़ा था। दोबारा वहाँ नौशाद साहब खड़े सुनते रहे, सुदबुद खो बैठे यानी ट्रांस में चले गए, और उनका ट्रांस जब टूटा तो एक थप्पड़ पड़ा जोर का, और वो चौके और मामू ने खड़े के उनके कान घसीटा खींचा और कहा था ये मेला है, अकेले मत जाना, खो जाओगे तो तुम्हारे वालदेन को मैं कह जवाब दूंगा, चलो अभी वापस, और टेंट में लेके आए और दूसरे दिन वापस लखनऊ ले आए। और फिर उसके बाद नौशाद साहब जब रात को सोते थे तो वही बांसुरी की आवाज़ उनके कानों में गूंजती थी, वो बांसुरी की आवाज़ ऐसी गूंजती रही, फिर आस्ते आस्ते वो उनको एक गुरबत अली खान साहब थे, उनका बंधु एंड सन के नाम से एक शोरूम था, वहाँ भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बेचा करते थे, हारमोनियम सितार वगैरह, तो जब जाते थे तो रोज़ वहाँ स्कूल जाते थे तो वहाँ पे खड़े थे ताकते थे, तो एक दिन वो उस्ताद गुरबत अली खान साहब ने बोला यहाँ मियाँ यहाँ रोज़ यहाँ खड़े रहते हैं, कोई नौकरी की तलाश है क्या, तो उन्हीं ने कहा कि जी, तो कहने कल से आ जाना और ये चाबी तुमको दूंगा, अगर दुकान की सफाई कर देना और जब सफाई हो जाए तो चले आना। कहें ठीक है, महीने के तुमको 5 रुपये मिल जाएंगे, तो कहने लगे उस वक्त बड़ी रकम थी 5 रुपये। तो फिर वारा चलता रहा, सफाई करते रहे, एक दिन जब गुरबत अली खान साहब ने दाखिल हुए तो हारमोनियम की आवाज़ सुनाई दी उनके, तो उनके कदम रुक गए, दुकान के बाहर ही रुक गए, और वो बहुत आँख बंद करके सर धुनते रहे, फिर थोड़ी देर के बाद ज़ोर से खंकारे और दाखिल हुए तो नौशाद साहब पसीने पसीने हो गए और घबरा के उठ गए, और कहने लगे हुजूर गलती होगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो कहने लगे तो ये हो रहा है साफ सफाई हमारी दुकान में, आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे इंस्ट्रूमेंट को, हारमोनियम को छूने की, ये सब बिकाऊ है, आइए इधर आइए। तो नौशाद साहब ने दिल में सोचा कि थप्पड़ मार के निकाल देंगे, तो गिड़गिड़ाते रहे कि हुजूर गलती होगी, माफ कीजिए। कहे नहीं, नज़दीक आइए। और जब नज़दीक आ गए थरथरा रहे थे तो सर पे हाथ रखा और मुस्कुराए, कहने लगे माशाल्लाह से बेटा तुम्हारा हाथ बहुत सुरीला है, आज से ये हारमोनियम तुम्हें तोहफे में देता हूँ मैं। तो उस तरह के लोग हुआ करते थे। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि ये लड़के को मौसीकी का बहुत लगाव है, उसका नाम नौशाद था, तो कहने लगे कि बेटा तुम्हें मैं 2-3 उस्तादों से मिलाता हूँ। तो उस्ताद यूसुफ अली खान जो उनके दोस्त थे उनसे सितार सीखने लगे चोरी छुपे, दादा को मालूम नहीं था। फिर एक उस्ताद बब्बन थे उनसे तबला की कोई तालीम ली, सब चोरी छुपे। और एक उस्ताद लड्डन साहब थे, ये इन्हीं ने नौशाद साहब के करियर में बहुत अहम रोल अदा किया। लड्डन साहब जो थे वहाँ पे एक अमीनाबाद जहाँ रहते थे नौशाद साहब, वहाँ पे एक रॉयल सिनेमा हुआ करता था, बाद में मेरा टॉकिस हो गया, तो वहाँ पे लड्डन साहब को जो एग्जीबिटर था यानी थिएटर का मालिक, उस ज़माने में साइलेंट ईरा था, फिल्में साइलेंट चला करते थे, तो वो क्या करता था मालिक नौशाद उनको उस्ताद लड्डन साहब को बुला के, अब 5-6 म्यूजिशियन होते थे तबला सारंगी हारमोनियम, तो वो पहले पब्लिक शो से पहले उनको फिल्म दिखाता था, स्क्रीन के पीछे बैठते थे सब लोग, और फिर बोलते थे कि इस पे आप कंपोज कीजिए ताकि जान आए, ऑडियंस में तालियां बजाएं, जान डालें कुछ इसमें। तो कहते रहे ठीक है, तो जब फाइटिंग सीन आए तो उस तरह का कंपोज करें, लव सीन आए तो सारंगी का इस्तेमाल करें, सैड सीन अगर कोई सैड सीन आए तो उस तरह का कंपोज कर सकें। नौशाद साहब कोने में बैठ के देखा करते थे दूर से, उनकी नज़र पड़ी लड्डन साहब के, कहने बेटा नज़दीक आओ, दूर क्यों बैठे हो, तुम्हें ये अच्छा लगता है, कहने जी आओ मेरे नज़दीक आओ। तो वहाँ से भी नौशाद साहब को शौक जागा ये बैकग्राउंड स्कोर का, जो है वहाँ से उनको क्यों मिला कि किस तरह बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज करना चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा बेटा ये पीस तुम कंपोज करो, तो करना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद जब दादा को मालूम हुआ, सबने शिकायत की स्कूल पर जाते नहीं, तो दादा ने फिर शो अपने शो डाउन हो गया,
उन्होंने कहा कि आज देखो फैसला कर लो नौशाद, घर चाहिए या तुम्हें अपनी म्यूजिक मौसीकी चाहिए। और उन्हें हारमोनियम उठा के फेंक दिया, हारमोनियम टूट गया। तो उन्होंने नौशाद साहब, उसकी उम्र होगी कुछ 15-16 साल, उठा के उन्होंने आंसू आपके थे उन्होंने सीने से लगाया और कहा आपको आपका घर मुबारक हो, मुझको मेरी मौसीकी की दुनिया। उसके बाद वो सीधा बॉम्बे स्ट्रगल पीरियड शुरू, बॉम्बे आ गया और उसका स्ट्रगल पीरियड शुरू हो गया।